गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप कि सब कुछ ठीक है। मैं भी ठीक हूँ, मेरा तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो चुका है। और आज का मॉर्निंग देखिए मीठू के साथ। एक्चुअली क्या है ना, कल मैं मिल ही नहीं पाई थी, तो आप लोगों को भी नहीं मिला पाई थी। तो ये थोड़ा सा सुबह सुबह आती है और मैं थोड़ा सा लेट उठी थी कल, तो आज देखिए मिल रही हूँ इससे। देखिए अभी कैसे खा रही है, अंगूर खा रही है। और पता नहीं बहुत सारे और भी पैरट्स हैं जो बहुत ज्यादा शोर मचा रहे, तो ये उसी की तरफ अभी ध्यान है इसका। तो चलिए, आज सुबह सुबह मैं इसलिए उठी हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा कुछ खास बन रहा है घर में। मेरे लड्डू गोपाल जी पहली बार नानी घर आए हैं, तो इस वजह से माँ आज उनको भोग लगाने वाली है। तो माँ उधर भोग वाला सारा कुछ बनाएगी और मैं आज बस नाश्ता बनाने वाली हूँ, क्योंकि फिर ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मैं बोल रही थी कि मैं बना लूँगी, माँ आप उधर देख लीजिए, मैं इधर का बना लेती हूँ, क्योंकि भैया का फिर ऑफिस भी है, वो ऑफिस भी जाएंगे खा के। तो चलिए फटाफट से अपना काम स्टार्ट करते हैं। Justify leaving, why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way he feels. Nothing could save you now. So just let this go. देखिए मैं बोल रही थी कि नाश्ता मैं कुछ बना लेती हूँ, पर भैया बोले कि नहीं छोड़ दो नाश्ता, अभी छोड़ दो, मैं जा ही रहा हूँ बाजार की तरफ, तो थोड़ा सा नाश्ता बाहर का लेकर आता हूँ। तो देखिए गर्मा गर्म कचौड़ी और सब्जी, कभी कभी ऐसा नाश्ता अच्छा लगता है पर मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए पहले इन लोग को नाश्ता दे देती हूँ, फिर दोपहर का कुछ देखती हूँ लंच में क्या बनेगा। और इधर देखिए मेरे लड्डू गोपाल के लिए भोग बनना स्टार्ट हो गया है। देखिए खीर तो बन गया। तो मेनू में क्या क्या है? पूरी और खीर। तो यहाँ देखिए अभी पूरी बनना बाकी है। लड्डू गोपाल जी का तो आज पार्टी हो गया। देखिए माँ के यहाँ जब भी ऐसे भोग के लिए कुछ भी बनता है ना, तो ये वाला सिलेंडर निकलता है। यहाँ सब अलग बर्तन सब कुछ है, क्योंकि माँ लक्ष्मी पूजा में भी बनाती है। Thank you.
अभी जानते हैं यहाँ पे ना सिर्फ माँ की मीठू ही नहीं, बहुत सारी चिड़िया आती है। और ऐसे देखिए यहाँ पे ऐसे पानी रखा हुआ रहता है और कुछ कुछ दाना भी डाला हुआ रहता है। यहाँ जस्ट अभी साफ किया गया है ना, तो ये ना चिपक जाता है। तो अभी हम सब लोगों को ना रखना चाहिए बैलकनी में या फिर खिड़की में थोड़ा बहुत पानी ना कटोरी में रखना चाहिए। गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है तो उन लोगों को हर जगह पानी नहीं मिलता। और अभी जो सीज़न चल रहा है उसमें ना पानी का प्यास सबको बहुत तेज़ लगता है। तो हम लोग हमेशा ऐसे ही कहीं ना कहीं जहाँ पे चिड़िया आके बैठ पाए वैसे जगह पे रख देते हैं पानी। तो अभी पूजा वगैरह सब कुछ हो गया, भोग भी लग गया है। तो अभी मैं बनाऊंगी आलू पोस्तो। आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनने वाला है लंच में, पर माँ का एक स्पेशल रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी मशरूम का, एकदम टिपिकल बंगाली स्टाइल में। यहाँ देखिए दाल बन गया है और इसमें ना टमाटर और हरा मिर्च डालकर बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। तो ये बन गया, अब मैं बस पोस्तो बनाऊंगी और बाकी का काम माँ। तो रेसिपी आपसे शेयर करूंगी, तो वीडियो पूरा देखना, ये बहुत टेस्टी रेसिपी होता है। करके रखी है मशरूम को, थोड़ा सा हल्दी और नमक के साथ उबाल के रख दिया है। यहाँ पे ग्रीन चिल्ली है, टमाटर है और प्याज है। और की देवे माँ आधा रसुन का बाटा, अदरक और प्लास्टिक टू सोर्स, अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा और मस्टर्ड पेस्ट जाएगा। तो यहाँ देखिए माँ तैयारी स्टार्ट कर दी है, सरसों का तेल से ये बनेगा। अच्छा, पाँच फोड़ा यहाँ से शायद कुछ गड़बड़ी के कारण मेरा वीडियो स्टॉप हो गया था। मसाला जो भी डल रहा था तो मुझे पता नहीं चला ये स्टॉप हो गया था। तो मैं बता देती हूँ, माँ ने इसमें बस नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाली है। और इसमें ना अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा करके लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं बस। और उसके बाद जो भी डल रहा है तो आप आगे के वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं। देखिए अभी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल, हाँ इसमें ना प्याज थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, अदरक, हाँ अच्छा लहसुन भी ज़्यादा पड़ता है, अदरक थोड़ा सा कम ही डालना पड़ता है, हर खाने में अदरक थोड़ा कम ही अच्छा होता है। अब देखिए इसको ना अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें सरसों का पेस्ट डाला जाएगा। ये है सबसे स्पेशल चीज़ जो इसका स्वाद में ना एक एकदम ट्विस्ट ला देता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, तो थोड़ा सा पानी और सरसों को ना ज़्यादा फ्राई करने से थोड़ा कड़वा हो जाता है, तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया।
बनने देते हैं अभी। तो देखिए मशरूम बिल्कुल तैयार है, ये बहुत टेस्टी था। तो आज हो गया है नेक्स्ट डे। कल एक्चुअली ना मैं मुझे याद ही नहीं था कि मैंने इस ब्लॉग को एंड नहीं किया है, और हम लोग थोड़ा सा छत पे गए, बहुत अच्छा हवा चल रहा था, और यहाँ पे ना हम लोग इतने सारे लोग हैं ना, तो अभी बातें ख़त्म ही नहीं होता है, तो मेरे दिमाग से निकल गया था। तो मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ जाने से पहले डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं फिर से मिलूंगी किसी और ब्लॉग में किसी फ्रेश वीडियो के साथ। तो चलिए तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।